नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर अगर बैठना है तो सवारी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है, लेकिन जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं उनसे लग रहा है कि यूपी चुनाव 2022 में साथ आए राष्ट्रीय लोकदल के सपा गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये तो देखिए कि अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। तो आज हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ दल क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, 80 सीटों पर जीतने के लिए वो कितनी मशक्कत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, हर पार्टी कर रही है ताकि वो जीत हासिल कर सके। एक तरफ बीजेपी महाजनसंपर्क के अभियान के जरिए ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दे रही है, तैयार कर रही है, और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराने, उन्हें बताने, और किसी प्रकार का अगर कहीं कोई अनरेस्ट है, असंतोष है, तो उसको दूर करने, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पार्टी के पक्ष में लोग बात करें। दूसरी तरफ विपक्षी दल ऐसे समीकरण की तलाश में है जिनसे केंद्र में 9 सालों से जमी बीजेपी की सरकार को सत्ता से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए सारी कोशिशें हो रही है। लेकिन समीकरण जो है ना, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। इसके लिए समीकरण भी नए तरीके से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भले ही अब तक चुनावी तैयारियां शुरू नहीं की हैं, क्योंकि उसका अभी नशा, कर्नाटक की जीत का जो नशा है वो उतरा नहीं है, लेकिन समीकरणों को साधने का प्रयास चल रहा है। और जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की चिंता बढ़ सकती है। यूपी चुनाव 2022 में साथ आए राष्ट्रीय लोकदल के सपा गठबंधन से बाहर जाने के कयास लग रहे हैं, और अगर ऐसा होता है ना तो फिर अखिलेश यादव की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। अब लोग कयास तो लगाएंगे ही ना, जब दोस्ती दूर से दिख रही है तो ये कयास लगने लाजमी है। ये बात क्यों की जा रही है दोस्तों? राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर नेता और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन टूट सकता है। पार्टी अपनी अलग रणनीति पे काम करती हुई दिखाई दे रही है, ये आप भी जान रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जयंत चौधरी शामिल हुए थे। इसके बाद भी आरएलडी और कांग्रेस की नजदीकियों का मुद्दा गरमा रहा था। रामाशीष राय ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव विशेष परिस्थितियों में होने वाला है। देश में अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो सीन चल रहा है, उसमें कांग्रेस को किनारे रख करके परिवर्तन की बात नहीं कही जा सकती। दरअसल अगेन द सेम थिंग, कांग्रेस को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख अभी साफ नहीं है। और ये वो दल हैं जो अपने आप को बराबर का समझते हैं, कई बार साथ साथ चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन अब कई मामलों में उनके माइंडसेट मेल नहीं खा रहे हैं। एक समय में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, के चंद्र राव और शरद पवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनके लिए कांग्रेस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ऐसे में आरएलडी अपनी राह अलग कर सकती है। ये तो हुई एक बात। अब कांग्रेस ने भले ही यूपी की 80 लोकसभा वाले स्टेट में चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर पे शुरू ना किया हो, लेकिन पार्टी का जो कहना चाहिए कि वरिष्ठ जो लीडरशिप है, जो
जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश में जीत के समीकरणों को तलाशने में जुटा हुआ है। ये इनपुट्स आ रहे हैं और यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बसपा को सीटों की संख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया था और पार्टी की ओर से प्रदेश के कई पॉकेट्स में पिछले दिनों इंटरनल सर्वे भी कराए गए। इसमें ये दावा किया गया कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है, पिछड़ा है। बसपा के मुकाबले में कांग्रेस की जो एक्सेप्टेंस है एक बड़े वोट बैंक में बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि बसपा ने यूपी चुनाव में 2022 में कांग्रेस के मुकाबले उनका अगर वोट शेयर देखा जाए तो ज़्यादा हासिल किया था। यूपी चुनाव 2022 में 255 सीटें जीतने वाली भाजपा को सबसे ज़्यादा 41.29% वोट मिले थे और 32.06% वोट शेयर के साथ सपा दूसरे स्थान पर रही थी। सपा ने कुल 403 सीटों पर 111 पर जीत हासिल की थी और वोट परसेंट के मामले में तीसरे नंबर पर सिर्फ एक सीट जीतने वाली बसपा रही। अब आप देखिए पार्टी ने 12.88% वोट हासिल किए और कांग्रेस के हिस्से में महज 2.33% वोट शेयर आया। हालांकि पार्टी दो सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। पार्टी अब वेस्ट यूपी को भी साधने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये जो यूपी का हिस्सा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हर दल के लिए ये हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली का रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी से होकर के गुजरता है, इसलिए 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश हर पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 71, नोट करिए आप, बीजेपी ने 71, एनडीए ने 73 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने 62 और एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज कर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों की कसरत लखनऊ को साथ करके दिल्ली पर कब्जे की है। केंद्र और प्रदेश में सरकार की होने वाली स्थिति में भाजपा की तैयारियां निश्चित रूप से बहुत मजबूत हैं। पार्टी का बेस बहुत स्ट्रांग है, तैयारियां चल रही हैं, तमाम नेता अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी की भी तैयारी चल रही है। लेकिन मामला वही है, अभी तो विपक्ष को एकजुट होना है, उस पर कोई राय नहीं बन पा रही है। अखिलेश यादव ने अपना माइंडसेट क्लियर नहीं किया है कि वो खड़े होंगे 23 तारीख को होने वाली मीटिंग में या नहीं। अखिलेश यादव स्वयं जिला स्तर पर हो रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। आप देखिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ सपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन पेश करने से कुछ होता तो नहीं है ना। अखिलेश फार्मूले को साथ करके कांग्रेस अब प्रदेश में भाजपा के विकल्प के रूप में खुद को दिखा रही है, खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यूपी का जो चुनाव है 2022 और इससे पहले 2019 में पश्चिम यूपी में भाजपा को थोड़ा सा झटका लगा था सपा बसपा गठबंधन के कारण। वेस्ट यूपी में 2019 में भाजपा को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर पार्टी को हार मिली थी और वहीं यूपी चुनाव 2022 में सपा और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी की जो चुनौती थी उसको बढ़ा दिया था। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो ये यात्रा भी यूपी की ओर से होकर के गुजरी थी और इस इलाके में पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आरएलडी अपने वोट शेयर में कोई झटका नहीं लगने देने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। ये मतलब जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये
जमीनी स्तर पे क्या है ये आपको वक्त बताएगा, लेकिन ऊपर ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है ना वो काफ़ी कुछ प्लान कर रहा है। काम तो नीचे स्तर के कार्यकर्ता को करना होता है, उसी से सरकार बनती है। यूपी का निकाय चुनाव 2023 में जिस प्रकार से सपा और आरएलडी उम्मीदवार आमने सामने आए और इस सिचुएशन में जमीन पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जो एक रस्साकशी हुई और उसके बाद जो खाई बढ़ी, इस प्रकार की स्थिति में अगर जो महान दल और सुभाषपा की तरह आरएलडी भी सपा से अगर अलग हो गए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रायल था हाल फिलहाल में देखा निकाय चुनावों में, और सीन वही होता है। राष्ट्रीय लोकदल के सपा गठबंधन से अलग होने की स्थिति में सच में अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में मुस्लिम यादव समीकरण के साथ जाट वोट बैंक को जोड़ करके लोकसभा चुनाव का एक विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो मतलब शो कर रहे हैं। उनकी जो बैठकें हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है। जंद का साथ होने के कारण अभी तक सपा वेस्ट यूपी पर अधिक फोकस करती नज़र नहीं आ रही है। लखीमपुर खीरी और सीतापुर के कार्यकर्ता शिविरों के जरिए पार्टी भाजपा के मजबूत गढ़ों को भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरएलडी का साथ छोड़ने की स्थिति में अखिलेश को उनकी तर्ज पे मजबूत साथी की ज़रूरत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा ने अपने कोटे से जंद को राज्यसभा तक भेजा था, ये बात भूलने वाली नहीं है। और महान दल के गठबंधन छोड़ने के बाद जिस प्रकार से पार्टी अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने गाड़ी वापस लिए जाने की चर्चा गरमा दी थी, केशव राव से आप जानते हैं ना, केशव देव मौर्य से गाड़ी वापस ले ली गई थी, काफ़ी चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। तो क्या मतलब आरएलडी का साथ छोड़ने की स्थिति में अखिलेश जयंत चौधरी से राज्यसभा की सदस्यता को वापस लेने की मांग नहीं कर सकते, सोचने की बात है ना। इन तमाम सवालों के बीच यूपी का जो सीन है ना, पॉलिटिकल जो पारा है इस समय मौसम के हिसाब से काफ़ी हाई है, काफ़ी चढ़ा हुआ है। तो अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ये देखना है कि कौन किसके साथ है। लेकिन अगर मैं पर्सनली देखूं तो बीजेपी का एजेंडा जो है बिल्कुल क्लियर है, उसे ना किसी के साथ की ज़रूरत है, ना उसे अपने प्लेटफॉर्म को पर किसी को खड़ा करना है। लेकिन ये जो दल हैं जिनकी मैंने बात की है आपसे, इनकी ना तो अभी स्ट्रेटजी क्लियर है, ना इन्हें ये पता है कि इनको कल को किसके साथ खड़े होके चुनाव लड़ना है, क्योंकि बहुत साफ है कि अकेले ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और उसका फ़ायदा भी बीजेपी को ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप ने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो दर्शक मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुँचे, मेरा हर कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरी पर्सनली ये कोशिश भी होती है कि हर अपडेट आपसे मैं सबसे पहले साझा करूं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।